Shanti Yogah Chandramase Namah. Stay with yourself. Breathe gently. Observe the state of your body. Observe the state of the mind. Stay with yourself. Absorb this wonderful energy that body has cultivated, opening to receive the energies of the universe. Observe the radiant soft light of the moon within you. ये नींबू चीख चीख के कह रहा है मैं जूसी हूं। देख इसका कमाल। ओ मैंने बहुत सा खाया। इसका इसका रुक सेकंड हाफ बेटर हाफ देखना। ये बेटर हाफ है इसका। ओके तू जूसी है। हाँ मैं जूसी हूं। ओ यार सही आया इसका। से कोरोना आया है ना और अभी जिस तरह बारिश रुक ही नहीं रही। अभी फोर्थ डे है कि बारिश रुकी नहीं है। मेरी फ्रेंड है ना श्रुति, उसको उस वो लातूर में रहती है और वो कह रही थी कि लातूर में तो इतना सूखा होता था कि हम लोग हमेशा वो लेके आते थे, क्या बोलते हैं, वाटर टैंकर। और अभी उसके यहाँ भी सेम हो रहा है एग्जैक्ट। हाँ हम हर दिन एक दूसरे से वो कर रहे होते हैं कि अभी मतलब ऐसे कोई मीम या कोई गिफ्ट डाल के बोल रहे होते हैं कि ये बारिश रुकी नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है यार अगर बारिश रुकी नहीं है दुनिया ख़त्म ही है तो चिल करो ना, क्या इतना टेंशन लेना है, ये वो 50,000 चीज़ें खाओ पियो ऐश करो टाइम। सही है एकदम मामला। अरे रुकी नहीं मतलब रुकी नहीं 5-5 दिन। हाँ और अभी देख कितनी आवाज़ आ रही है। अभी वापस मैं जब ये सुनूंगी ना फुल आवाज़ आ रही है। अभी खिड़की भी बंद है फिर भी मुझे इतनी आवाज़ सुनाई दे रही है, बाप रे। उस दिन हम तुमने कहा था ना तुम बाहर बाहर गए थे तो तुम्हारी गाड़ी आधी पानी। अरे बाप रे। वो एक ऐसे लोकेशन पर पहुंचा मैं वहां से बाइक निकल रही थी हाफ पानी के अंदर। मुझे लगा यही है मतलब जो रेड अलर्ट जो बीएमसी दे रही है वो यही है भाई मत निकलो। फिर तुम आए ना वापस ये आगे गए। यहाँ कौन बैठा है। लेकिन आगे जाके आया मैं आगे गया। फिर मैंने सोचा काम तो कर ही लेता हूँ जिसके लिए आया हूँ। ऐसे सोचते हैं लोग जब रेड अलर्ट में निकलते हैं ना बाहर, ऐसे ही सोचते हैं वो। चलो आए तो थोड़ा घूम ही लेते हैं, अब आए तो थोड़ा पानी में झूम लेते हैं। अरे काम इतना इम्पोर्टेंट था। क्या इतना इम्पोर्टेंट काम था? गोडा मसाला लाना था। गोडा मसाला। अरे उस बंदे को पता है, पहले तो इतना देर तक मैं ढूंढता रहा गोडा मसाला, यहाँ किसी को पता ही नहीं है क्या होता है। मुझे तो समझ ही नहीं आता। चलो बाहर महाराष्ट्र के बाहर लोगों को गोडा मसाला नहीं पता है तो समझ में आता है, महाराष्ट्र में कैसे नहीं पता है यहाँ? या इट इज इट ओनली पुणेरी मसाला जो सिर्फ पुणे में मिलता है? आई डोंट गेट इट। नहीं नहीं उधर अंधेरी में मिलता था आराम से। नहीं बट देन इवन दैट टाइम वो नहीं क्या बोलता था गोडा मसाला क्या और हंसते थे हम पे। अरे यहाँ भी हुआ, मैं एक फाइनली एक दुकान मिली
तो वो सबने सब मुझे उसी दुकान की तरफ भेज रहे थे, वहाँ वहाँ मसाले मिलेंगे वहाँ। मेरे दिमाग में उस दुकान की ऐसी इमेज बन गई कि मसाले ही मसालों की दुनिया है वो। उस मसालों की दुनिया में जब मैं पहुँचा तो वहाँ एक बंदा बाहर निकला, उसने बोला हाँ कौन सा चाहिए, क्या क्या चाहिए। मैंने बोला गोडा मसाला। कहता घोड़ा मसाला? मैंने बोला घोड़ा नहीं, गोडा, गोडा मसाला। तो वो क्या होता है? तो मुझे भी, मैं भी कैसे उसको समझाऊँ ना। मैंने कहा होता है एक मराठी मसाला होता है गोडा मसाला। तो कह रहा है नहीं गोडा मसाला तो अपने पास नहीं है, कुछ है क्या फ़ोटो वीटो? तो मैं गूगल किया, मैंने फटाफट गूगल पे लिखा गोडा मसाला फ़ोटो, इतने सारे निकल के आए। वो बोलता है नहीं ये तो वो है, ये तो ब्रांड है इसका। मैंने बोला ब्रांड नहीं है, आप देखो ना। स्क्रॉल अप किया तो उसमें एक इमेज थी जिसमें इंग्रेडिएंट्स थे अलग अलग, किन मसालों को मिला के गोडा मसाला बनता है। स्माइल करके बोलता है ये सब मिल जाएंगे, हाँ आप घर पे बना लेना। एक्चुअली घर में ही बना सकते हैं और बनाते भी हैं। मतलब मेरे फ्रेंड्स की मम्मियाँ बनाती थी, इनफैक्ट मम्मी भी बनाती अरे थी। पर ये क्या लॉजिक है कि मैं ये सब दे दूंगा तुम्हें, तुम बना लो गोडा मसाला। वही तो वो एक्चुअली एक और होता है काला मसाला, पता है काला इतना टेस्टी होता था ना, मम्मी बनाती थी वो एक और आंटी के साथ। यार ये वो तो नहीं है, ये स्कूल के बाहर जब मैं, नहीं नहीं ये मराठी मसाला है, काला होता है वो मसाला पूरा, नारियल और उसमें सब होता है, जितना अच्छा टेस्टी लगता है। मैंने मम्मी को कहा था, मम्मी बता, मम्मी बोल रही इजी है बना दे बना वो, पर हमारा हो ही नहीं पाई टाइमिंग। पर मुझे वो भी मसाला बहुत पसंद है। तूने अभी काला बोला, मेरे दिमाग से निकली वही दिख रहा है मुझे। बचपन में स्कूल के बाहर एक चूरन टाइप का होता था, ब्लैक होता था वो, गजब टेस्ट उसका, टेस्ट ना ऊपर यहाँ कहीं हिट करता था। नहीं नहीं ऐसा नहीं, और ये जो मसाला था ना काला मसाला, ये इतना टेस्टी होता था और इतना ईटेबल है वो, मतलब उसको सब्जी में डाल के खाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो रोटी में घी लगा के मसाला डाल के भी खा लेते थे। किस में वैसे डालते थे उसको? किसी में भी, जैसे गोडा मसाला यूज़ करते हैं वैसे ही वो यूज़ करते थे। बहुत टेस्टी। अभी इसका दिखाऊंगा उसको काला मसाला का इंग्रेडिएंट्स, तो बोलेगा ये सब मिल जाएगा। आई थिंक वो तो पता ही होगा उनको, या पता नहीं ग्रांटेड नहीं ले सकते मुझे। वो मम्मी से ना लिख ले के बनाना है, वो बहुत टेस्टी होता है, बट उसके लिए वही चाहिए ना, क्या पेशेंस, इच्छा शक्ति। अच्छा ये बताओ कि मैकडॉनल्ड्स क्या है? मुझे पता है। मुझे लगा ही था ये पता। चल मुझे नहीं पता, सुरभि को नहीं पता, रुक जा बता मैकडॉनल्ड्स क्या है? रेस्टोरेंट चेन है और मैकडॉनल्ड से कुछ पहले उसमें ही रॉन्ग बोल दिया तूने। मतलब लोग कहते, लोगों को लगता है मैकडॉनल्ड्स एक फास्ट फूड चेन है, बट इट इज एक्चुअली अ रियल एस्टेट मैग्नेट। बिकॉज वो जहाँ पे भी ले रहे हैं, जहाँ पे भी मैकडॉनल्ड्स ओपन हो रहा है वो उनके फ्रेंचाइजी है। मतलब उनका सिर्फ नाम लेके आप कर सकते हो, पर उनकी प्रॉपर्टी है। तो ऐसे वर्ल्ड ओवर कितना हो गया, कितनी जमीन है उनके पास? बाप रे, तो ये तो सबसे अमीर होने चाहिए। होंगे ही उसमें, और कभी ना कभी तो होंगे। और पूरा मेरे को तो लगता है जिस तरह से मैकडॉनल्ड्स जा रहा है ना, एक दिन पूरा वर्ल्ड का नाम हो जाएगा मैकडॉनल्ड्स। हर जगह तो मिल जाता है, देखना यहाँ भी मिल गया। वही तो आते ही से एकदम बाजू में बड़ा सा वो भी करना है। जैसे यहाँ का, यहाँ पे भी अगर कोई भी स्टेशन से उतरो, जैसे अंधेरी में उतरो, दादर में उतरो, कहीं पे भी जाओ, प्रभा देवी के वहाँ जाते हैं, वो अपना सिद्धि विनायक के पास जा रहे हो, तो सब जगह मैकडी मैकडी मैकडी। बाहर निकलो यहाँ से जाते वक्त, अगर लोनावला पुणे के साइड जा रहे हो, फिर मैकडी मैकडी के, इतने मैकडीज है ना, फिर एक मैकडी आता है, फिर थोड़े सा किलोमीटर से फिर मैकडी आता है। इनफैक्ट KFC's बंद हो गए हो रहे हैं, लेकिन मैकडीज ओपन हो रहे हैं। KFC's तो आजकल सच में कम हो गए, नहीं दिखते यहाँ तो। मैंने CCD भी वैसा ही है। CCD तो इंडियन कंपनी है ना। CCD तो कहीं नहीं के, तो वो उसने किसी ने आत्महत्या भी कर ली थी ना, बिकॉज वो कोई बात ही नहीं है। मैकडी अलग है, मैकडी इंडियन कंपनी है। जैसे यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स का आलू टिक्की है, वहाँ पे कुछ उनका है क्या जो सिर्फ वहीं मिलता है, कुछ ऐसा टाइप का? नहीं मुझे ऐसा नहीं दिखा। जैसे मैंने अभी लिया है जो वो है मैक वेजी, क्योंकि मुझे अभी नॉन वेज नहीं खाना था सुबह, और कोई ज्यादा मेनू भी था नहीं।
तो वेजी में क्या डाला है उन्होंने? क्या बोल रहे हो? क्या डाला है उन्होंने वेजी में? वो ही लूटेस और बीच में वो पैटी डाला है, मतलब आलू टिक्की डाली है। किसकी पैटी है वो? नहीं आलू की। अरे हाँ यार, ये किसकी पैटी बनाई है? टेस्ट तो चिकन जैसी पैटी लग रही है। हाँ मैंने तो सोचा ही नहीं, क्योंकि आलू तो नहीं है। बर्गर खत्म हो रहा है, अब टेस्ट कर रही है ऐसे कि ये क्या खा रही हूँ मैं, नॉवेल क्या है क्या वो? एक तो लेट्यूस है, वो बन रही है। लेट्यूस तो बाहर होता है ना, पैटी किस चीज की? अरे थोड़ा चिकन जैसी लग रही है, तो हम ढूंढे क्या है ये पैटी में? चिकन जैसी तो लग रही है, देखो ना। मैं क्या पता क्या है, चिकन भी खा लिया। अरे सोया, सोया से बनाया होगा इन्होंने। हाँ सोया होगा रे। और एकदम मतलब अभी मेरे को खा, अभी तो खत्म होने आया, अब भी रियलाइज हुआ कि ये तो चिकन मैक चिकन जैसे ही लग रहा है मुझे, इसलिए मैं एंजॉय, मतलब मुझे कुछ अलग नहीं लगा। तो मैं समझ गया, वहाँ ये फुल रेस्टोरेंट नॉन वेजिटेरियन होगा, और उसमें ये ऑप्शन जो है ना वेजी का, उसमें पैटी तो नॉन वेज की आती होगी, लेकिन वेजी इसलिए क्योंकि लेट्यूस और आसपास जो घास। नहीं 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 कुछ भी, वो तो नॉर्मल चिकन चिकन में भी डालते ही है ना वो। हाँ नहीं नहीं ये सोया ही होगा, करेक्ट बोल, अपनी बात को खराब कर दे रहा। सोया सोया, इट्स सोया, इट्स सोय, सोय पैटी। गूगल गूगल करूंगी बाद में मैं। गूगल क्या, वहां पे लोग उससे पूछ रेस्टोरेंट वाले से क्या खिला दिया। अरे इनको इंग्लिश थोड़ी ना आती है सबको यहाँ। हाँ वो फ्रेंच, अब वो एंटरटेन भी नहीं कर रहे, उधर उधर से बोल दिया कि उधर उधर ही करो जो करना है। हाँ, यहाँ से ऑर्डर देंगे टाइप। तू तो दिख गया होगा तुझे कि वो तू डच नहीं है। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने अभी किसी को हेल्प, एक अंकल थे ओल्ड अंकल, उन्होंने ना बिल ले लिया, उनको भी करना पड़ा, वो उन्होंने बिल ले लिया, लेकिन बिल के साथ टिकट भी आता है ना, टिकट नंबर के कौन सा नंबर में आएगा, तो उन्होंने वो उठाया ही नहीं, तो वो लाइन में आए तो वो मुझे पूछने लग गए कि ये मैंने बोला अरे देयर इज अ सेकंड टिकट ऐसा दिखा है, नो टिकट। मैंने बोला वेट कौन से, क्योंकि पांच छह लाइन थी मशीन की, तो उन्होंने बोला इस मशीन में मैंने किया, मैंने तो कार्ड से भी पे किया, उन्होंने इतने क्यूटली बोला, मैंने बोला ओके वी विल सी। फिर उधर गए तो उनका जो सेकंड टिकट था वो उधर ही अटका हुआ था, उन्होंने क्योंकि दो अलग जगह से निकला, तो उन्होंने सिर्फ पेमेंट का रिसीट निकाली, टिकट नहीं निकाला जिसमें नंबर आता है, वो नंबर ढूंढ रहे थे, फिर हमें वो मिल गया, फिर वो बोले थैंक यू करके, मैंने बोला नो प्रॉब्लम, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने वाह सुबह सुबह मैंने एक अच्छा काम किया, नेकी की तूने आज, गुड। अभी वहाँ कहीं दरिया होगा तो उसमें डाल देना करके।